हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं, जो बेसिक कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को, ये सोच के कि मैम हमें बेसिक मिल रहा है और हमें डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैम ये बेसिक और डीए हमें कब तक मिलेगा, हमारी सैलरी का जो ये जो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी है ये कब तक होगी, एरियर्स भी जो कि है साथ में पे हो रहे हैं, मैम कुछ प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू मैं जिन लोगों को सैलरी रिलेटेड इशू है उनके प्रॉब्लम को भी, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं उन्हें क्या रेमेडीज उनके पास है और अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करती हूँ। और उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे और मैं जो की है कोशिश करूंगी और होपफुली आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकूं। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञानालय के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वेब लिंक क्रिएट किया जा रहा है ना, ये इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो HRMS पोर्टल है उस पे आपके सारे बेसिक डिटेल्स फिल हो जाए। जब आपके सारे बेसिक डिटेल्स उस पे फिल हो जाएंगे तो वो नेस्ट वाले उसे एक्सेस कर सकेंगे। बेसिक डिटेल्स फिल करवाना ही सिर्फ नेस्ट का काम नहीं है, आप ये समझो। आप कहोगे कि मैम जब बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं तो इन्होंने फॉर्म में क्यों नहीं करवाया, या मैम हमने तो फॉर्म में जितना हो सकता था हम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो हमने बेसिक डिटेल्स के फॉर्म में भर ही दिया है, तो फिर मैम हम ये क्यों फॉर्म अब फिर दोबारा ये लोग भरवा रहे हैं। बहुत लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। देखिए, नेस्ट का बेसिक काम ये है कि वो आपसे, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि आपने जिस नंबर से अपना फॉर्म भरा है उस नंबर से आप अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करें वेब लिंक के थ्रू इस HRMS पोर्टल पे। जब आप बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो आपने प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन फॉर्म के समय और अभी जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, जितना हो सके जो अथॉरिटीज है, जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है स्टेट सोसाइटी की, वो उसे रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे। जब वो उसे अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे जो कि स्टेट सोसाइटी का एक और काम आएगा कि देखिए पेरोल प्रोसेसिंग स्टार्टिंग में तो ये काम ले लेगी नेस्ट, और उसके बाद जो कि जब स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगा HRMS का तो ये पेरोल प्रोसेसिंग का काम जो कि पूरा कार्यभार चला जाएगा स्टेट सोसाइटी के ऊपर। लेकिन इस बीच में स्टेट सोसाइटी का ये काम है कि उसे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड करना होगा, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का भी काम जो कि है स्टेट सोसाइटी करेगी, और इसी पेरोल प्रोसेसिंग के थ्रू जो कि है अटेंडेंस रिकॉर्ड का सारा इन्फॉर्मेशन 25th ऑफ एवरी मंथ तक चला जाएगा नेस्ट के पास। जब नेस्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन चला गया तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ आपकी सैलरी जो कि क्रेडिट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप समझे कि बेसिक और डीए दोनों की बात हो रही है। आप जो गाइडलाइंस इशू किया गया है आप उसमें देखोगे तो वहां पे भी क्लियरली लिखा है कि बेसिक और डीए दोनों की बात हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो यही है आपके पार्ट पे ऐसा कैंडिडेट, वो है फॉर्म फिल करना। जिस नंबर से आपने अपना फॉर्म फिल किया था 2023 में उस नंबर से आप अपना फॉर्म फिलअप कर दो। आपका जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होना है वो काम है स्टेट सोसाइटीज का। जब स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगा HRMS का तब जो कि है पेरोल प्रोसेसिंग का काम भी चला जाएगा स्टेट सोसाइटी की तरफ। अभी फिलहाल ये काम जो कि है जो नेस्ट अथॉरिटीज है वही करेगी। नेस्ट अथॉरिटीज का काम है सैलरी डिसबर्स करना अटेंडेंस के बेसिस पे जो कि स्टेट सोसाइटी रिकॉर्ड करेगी, उसके बेसिस पे ही हर मंथ के एंड में आपकी सैलरी जो कि लास्ट डे लास्ट वर्किंग डे को आपकी सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी। HDFC से MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, HDFC अकाउंट में ही आपकी सैलरी क्रेडिट की जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा मतलब कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है इन सब चीजों में, पहले तो। दूसरी बात जो है वो मैं बता दूं कि देखिए अगर आप देखोगे जो फॉर्म फिलअप का है वो कैंडिडेट का काम है, अगर आप देखोगे कि जो आपकी जो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, आप जो कि पर डे प्रेजेंट हो और उस दिन आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है ये चेक करते रहना आपका काम है आपके पार्ट पे। HDFC से आपका आपका अकाउंट है HDFC में ये देखना आपका काम है, और इसके सिवा जो भी है वो स्टेट सोसाइटी और नेस्ट को अपने तरफ करने दीजिए, अपने पार्ट पे उन्हें एक्टिव होके देखने दीजिए। आप जो कि उसके लिए खुद को जबरदस्ती आप टेंशन मत दो या खुद को जबरदस्ती आप प्रेशर दिमाग पे देके मत सोचो, क्योंकि वो उनका काम है, वो बिल्कुल बखूबी कर लेंगे। आप अपना काम करो अपने पार्ट पे, और अगर उसके बाद सैलरी नहीं आए, कुछ आपको प्रॉब्लम लगे या आपको लगे कि जून के एरियर्स कम आए हैं या आपकी सैलरी लास्ट डे पे क्रेडिट नहीं होगी, तब आप क्वेश्चन कर सकते हो ना। जब अभी आप पहले उनको सैलरी एक बार क्रेडिट तो करने दो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी ही नहीं होगी आप पहले ही कैसे डिसाइड करके बैठ सकते हो कि किसी और जगह जहां नेस्ट ने गलती की है तो अब सैलरी वाले मैटर में भी नेस्ट गलती करेगा, ऐसा नहीं होता ना।
हाँ वो गलती करेगा तो आपके पास पूरा राइट है उनको अकाउंटेबल बनाने का, क्वेश्चन करने का, पर अभी आप दूसरे की गलती मत निकालो। जो लोग ऐसा ग्रुप्स पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, और आपका बस जो काम है आप वो जो किया है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय की तरह करते चलो। जहां तक बात रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों की, देखिए आपके पास एकमात्र रेमेडी है, आप लोग एक कोई कर रहा है और मैम बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, हमने ट्विटर पे जो कि ट्वीट किया और लोग नहीं कर रहे, देखिए देखिए मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट चलेगा, यहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट चलेगा। आप सोचोगे आप मतलब जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं उसमें से किसी एक ने कर दिया, बाकी सब सोच रहे हैं कि नहीं नहीं एक ने कर दिया चलो हमारा काम हो गया, भाई आगे कुछ ये होगा कहीं कोई मेजर अडॉप्ट करते हैं, मेजर अगर सरकार अडॉप्ट करती है तो हम पे जो कि कोई एक्शन ना ले ले, हमारे अगेंस्ट कोई कुछ ना कर दे। अगर आप सही हो तो आपके अगेंस्ट कोई कुछ क्यों करेगा? सबसे पहली चीज, आप कोई इलीगल काम तो नहीं करने जा रहे हो कि आपको जो की है अरेस्ट कर लेंगे या FIR हो जाएगा या कुछ भी, ऐसा ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप लोग सब किसी पॉजिटिव एक्शन के तरफ जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्स दोगे, कलेक्टिवली जो कि आप लोग वर्क करोगे, तभी तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। ट्वीट किसी एक पर्सन को नहीं करना चाहिए, आप लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए ट्विटर पे कैंपेन चलाने में, ट्वीट करने में, जितने लोगों को आप लोग जो कि इसमें टैग कर सकते हो, जितने लोगों को आप लोग अपने प्रॉब्लम से अवेयर करा सकते हो। जब तक आप लोगों को अवगत ही नहीं कराओगे, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूं, तो उन लोगों जब तक अपनी प्रॉब्लम से अवगत ही नहीं लोगों को कराओगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको घर बैठे बैठे उसका रिजल्ट मिल जाए किसी एक के किए पे? 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, मतलब उस 50 या 51 लोगों में से एक ने किया और 50 घर बैठ रहे और सोच रहे अच्छा एक ने कर दिया अब तो काम हो जाना चाहिए, वैसे नहीं होगा ना। आप लोगों को कैंपेन चलाना होगा, कलेक्टिवली एफर्ट्स दिखाने होंगे, ज्वाइंटली आप लोगों को जो किया एक एक्शन लेना होगा जिसके बेसिस पे आपको जो कि जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और आप कोई गलत एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसमें घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है, पर हम मिलके आप लोगों को जो कि अवेयरनेस मतलब अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक सारे लोग ये मिलकर नहीं करेंगे। तो आपके पास जो कि ज्वाइंट एंड कलेक्टिव एक्शन लेना ही सबसे अच्छी रेमेडी है। तो आई होप कि जो प्रॉब्लम है आप लोगों का, चाहे फिर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हो या सैलरी कब तक आएगी, क्यों लास्ट डेट कोई क्यों आ रही है या क्या इशू है, आई थिंक मैंने ये सारे मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उन सब का जवाब इस एक वीडियो में दे दिया है। फर्दर अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी, कमेंट सेक्शन में भी, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।